सभी साथियों को राधे राधे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कोमल स्वर की नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। हमने इस पिछली वीडियो में आपको कोमल स्वर की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि आप किस तरह से उनका अभ्यास करेंगे। आज इस वीडियो में हम उससे आगे की थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं अपनी लगभग सभी वीडियो अपने क्लास मेंबर के हिसाब से बनाता हूँ ताकि उनको समझाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए या मैं उनका ज़्यादा समय क्लास में बर्बाद ना कर दूं। अधिकतर चीज़ें वो दोस्त मेरी वीडियो देखकर ही समझ जाते हैं, बाकी उनकी जो गलतियां होती हैं फिर हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आप भी मेरी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, नंबर यहाँ लिखा है। यदि आपने पिछली यह वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें या इसको देखने के बाद आप इस वीडियो को अवश्य देख लेना। चलिए, अभी साइड में एक आपको फ़ोटो दिख रहा है, ठीक है। अब ये है क्या? सबसे पहली चीज़ दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर जो मुख्यतः स्वर माने गए हैं 12 हैं, ठीक है। और भी श्रुतियाँ होती हैं लेकिन मुख्य जो स्वर हैं 12 हैं, ठीक है। और उनमें 4 कोमल स्वर, 1 तीव्र स्वर और 7 शुद्ध स्वर, जिन्हें आप जानते हैं, ठीक है। अभी यहाँ देखिए किस स्वर के बाद क्या आ रहा है, आप यहाँ समझ लीजिए। 12 स्वर कौन कौन से हैं? सा कोमल, रे रे कोमल, गा गा, शुद्ध मा तीव्र मा, पा कोमल, धा शुद्ध धा, कोमल नी नी, और फिर तार सप्तक का सा जो कि 13वां स्वर है। क्योंकि सा एक बार आ चुका है तो उसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसको पूरा करने के लिए तार सप्तक का सा जोड़ा जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी इन स्वरों में देखिएगा, सा के बाद रे है कोमल, ठीक है। अब बांसुरी के अंदर समझते हैं कि बांसुरी में ये स्वर कैसे कैसे हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। फिर भी आप रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा। सा, अगर हम तीन ऊपर के तीन हॉल बंद करके सा मानते हैं तो ये सा है, और उसके बाद आधा सा को खोलेंगे, 10% सा को खोलेंगे तो कोमल रे है, पूरा खोल देंगे तो रे हो जाएगा शुद्ध रे, शुद्ध रे के बाद आधा स्वर इसको खोलेंगे तो कोमल गा, पूरा खोल देंगे तो शुद्ध गा, इसी तरह से अगला स्वर आधा खोलेंगे तो शुद्ध मा, और अगर पूरा खोल देंगे तो तीव्र मा, सभी को बंद करेंगे तो पा, पा को 10% खोलेंगे तो कोमल धा, पूरा खोल देंगे तो शुद्ध धा, और फिर उसके बाद अगले स्वर को आधा खोलेंगे, 10% खोलेंगे तो कोमल नी, पूरा खोल देंगे तो शुद्ध नी, और फिर अगली इस उंगली को खोल देंगे तो फिर से सा। ये कॉन्सेप्ट बांसुरी के अंदर है, ठीक है। अब आप इधर देखिए, सा और पा का कोई भी विकृत रूप नहीं है, मतलब सा अपने में अकेला है, सा एक मुख्य स्वर है, सभी पूरा संगीत सा पर आधारित है, ये कह सकते हैं। सा एक बेस है, सा एक बुनियाद है, उसके बाद में सभी स्वरों की फाउंडेशन हुई है। सा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्वर है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा स्वर जो विकृत नहीं है, जिसका कोई रूप, वो है पा। इन स्वरों को हम अचल स्वर कहते हैं, सा और पा बहुत ज़्यादा मुख्य स्वर हैं ये, सा और पा, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि बांसुरी में कोमल रे कहाँ है, कोमल गा कहाँ है, शुद्ध मा कहाँ है, तीव्र मा कहाँ है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिएगा। अब ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये भी सा हो सकता है। क्या है ये? आपके हिसाब से रे है, लेकिन नहीं, ये भी सा हो सकता है, ये भी सा हो सकता है, जिसको आप गा कहते हैं वो भी सा हो सकता है, ये भी सा हो सकता है, शुद्ध मा भी सा हो सकता है, किसी भी स्वर को हम सा मान सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अभी हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये भी सा है तो ये भी सा हो सकता है, ये सा है तो ये भी सा हो सकता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे ये चीज़, बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, वो कहते हैं ये सा है, ये रे हो गया, ये गा हो गया, ये मा हो गया, ये पा हो गया, ये धा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया सा के बाद कोमल रे आता है, कोमल रे के बाद शुद्ध रे आता है, शुद्ध रे के बाद कोमल गा आता है, कोमल गा के बाद शुद्ध गा आता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज रहते हैं, वो क्या करते हैं, अगर हम इसको सा मानते हैं, सा रे गा मा पा धा नी
नहीं। अगर हमने इसको सा माना है, रे को सा माना है, तो जो हम कोमल रे बजा रहे थे अभी तक, वो शुद्ध नहीं होगा, वो नहीं होगा शुद्ध नहीं, ठीक है। अगर हमने रे को सा मान लिया तो शुद्ध नहीं कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि नी के बाद शुद्ध सा एकदम आ जाता है, क्योंकि सा का कोई विकृत रूप है ही नहीं। तो अगर हम रे को सा मानते हैं तो पिछला सुर क्या है इस वाले हॉल से, कोमल रे, क्योंकि ये तो रे का सुर था, तो कोमल रे नी हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, देखिए अब आप इस चित्र के नीचे आ जाइए, पहली चीज जो मैं आपको मुख्यतः समझाने वाला हूँ, यहाँ आ जाइए, क्योंकि हम सहारा लेंगे इन कोमल स्वरों को समझने के लिए, मोबाइल ऐप का सहारा लेंगे जो कि जी स्ट्रिंग है। दोस्तों अभी इस फोटो के नीचे जो लाइनें लिखी हैं, एक नीचे की साइड में आपको हिंदी में स्वर लिखे हुए हैं, उसी के ऊपर इंग्लिश में स्वर लिखे हुए हैं। दोस्तों अगर हम बांसुरी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ऊपर के तीन हॉल बंद करेंगे तो सा बजेगा, यही कहते हैं ना, हर एक बांसुरी के अंदर आप ऊपर के तीन हॉल को बंद करके सा मानते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप सभी हॉल को बंद करके भी सा माना जा सकता है, या किसी भी स्वर को सा माना जा सकता है, लेकिन हम मानते क्या हैं, अपनी सुविधा के लिए हम ऊपर के तीन हॉल को सा मान लेते हैं, ठीक है, एक बेस मान लेते हैं। वैसे ही हारमोनियम के अंदर इस पहली सफ़ेद को, मतलब जो दो काले बटन एक साथ हैं, उससे पहले वाले को सी माना जाता है, मतलब सा माना जाता है, ठीक है। जैसे हमने बांसुरी के अंदर ऊपर के तीन हॉल को सा माना, वैसे ही हारमोनियम के अंदर पहली सफ़ेद को सी बोला जाता है या सा माना जाता है, ठीक है। तो उसी को बेस मानकर ये चीज़ मैंने बनाई है। अब ये स्वर जो है सी मिडिल की बांसुरी पर बिल्कुल परफेक्ट हैं। मैं और भी चीज़ें बताऊंगा साथ में, अभी वीडियो पूरी देखिएगा। तो अगर हम सा को सी मान लें तो कोमल रे के लिए अगला स्वर जो होगा सी शार्प होगा, ठीक है। और कोमल रे के बाद जो शुद्ध रे आएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, डी। देखिए जैसे हमने बोला सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, ये सरगम है। अगर हम इसको इंग्लिश के स्वरों में बोलें या लिखें तो कैसे होगा, सी सी शार्प डी डी शार्प ई, ई का कोई भी विकृत रूप नहीं है, जैसे हमारे सा और पा का कोई विकृत रूप नहीं है, वैसे ही इंग्लिश में ई का कोई विकृत रूप नहीं है, ठीक है। जैसे सी का सी शार्प हो गया, डी का डी शार्प हो गया, ऐसे ही इंग्लिश में ई का कोई विकृत रूप नहीं है, सी शार्प सा रे गा मा पा धा नी सा, सी सी शार्प डी डी शार्प ई, ई के बाद एफ आता है, एफ एफ शार्प, एफ के बाद जी आता है, जी जी शार्प, ठीक है। और जी शार्प के बाद चीज़ें फिर से ए से स्टार्ट होंगी, जी तक ही हैं, याद कर लीजिएगा, आसान है। जी शार्प के बाद ए, ए शार्प बी, बी का भी कोई विकृत रूप नहीं है इंग्लिश में, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा, हिंदी में तो सा और पा है, जो कि मैं बताऊंगा क्यों ज़रूरी है, कि इंग्लिश में हम सरगम किस तरह से मानेंगे, सा को सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा के लिए सी, कोमल रे के लिए सी शार्प, शुद्ध रे के लिए डी, और फिर कोमल गा के लिए डी शार्प, ठीक है। इसी तरह से यहाँ लिखा है, आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक। तो ये आपको याद हो जाने चाहिए। अगर हम सी मिडिल की बांसुरी में सरगम बजा रहे हैं, कौन कौन सी बांसुरी जरूरी हैं, इस क्वेश्चन को भी इसके अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं सी मिडिल के अंदर सा रे गा मा पा धा नी सा बजा रहा हूँ, तो अगली बार जब मैं सी शार्प की बांसुरी बजाऊँगा तो सी मिडिल के हिसाब से उसमें कोमल रे से स्टार्ट होगा, कोमल रे कोमल गा, ठीक है, समझ गए ना आप। हाँ बिल्कुल, समझना चाहिए आपको। सी मिडिल की बांसुरी के अंदर ये स्वर हो गए, और अगर सी शार्प की बांसुरी ले लेंगे तो वो कोमल रे से शुरू होगा, सी मिडिल के बांसुरी के हिसाब से वो कोमल रे के हिसाब से आगे बढ़ेगा, ठीक है, समझ गए। अब इनको याद कर लीजिएगा, आसान है। सी से शुरुआत होगी, सी डी ई एफ जी, जी के बाद ए आता है, जी के बाद एच नहीं आता, सी डी ई एफ जी ए बी, और याद रखिएगा बी और ई का कोई विकृत स्वरूप नहीं है इसके अंदर, ठीक है, आपको ये याद हो जाने चाहिए। अब आपको पता चल गया होगा कि आपके पास कौन से स्वर की बांसुरी है। अगर आपके पास सी मिडिल की बांसुरी है तो इसका मतलब आपके पास सा की बांसुरी है।
अगर आपके पास सी शार्प की बांसुरी है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास कोमल रे की बांसुरी है, मतलब एक्चुअल में आपका जो सा है वो कोमल रे है। बेस अलग चीज़ हो जाती है लेकिन स्वर यही है, उसमें फिर सप्तक चेंज हो जाते हैं। जो बेस बांसुरियाँ होती हैं वो नीचे के सप्तक की होती हैं, मंत्र सप्तक की तरफ की, ठीक है, और जो मिडिल की बांसुरियाँ होती हैं वो ऊपर के स्वर की होती हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास डी मिडिल की बांसुरी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास शुद्ध रे की बांसुरी है, उसके अंदर सी के हिसाब को, सी को अगर सा मान लिया जाए तो आपकी बांसुरी का सा रे बजना, रे बजेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं होगी तो मैं क्लास में आपको कन्फर्म कर दूँगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि सा के बाद कोमल रे आता है, कोमल रे के बाद शुद्ध रे आता है, शुद्ध रे के बाद कोमल गा आता है। ये सब चीज़ें आपको, ये बेसिक जानकारी है जो एक बिगनर को पता होना चाहिए। अभी केवल मैं बजाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि कोमल रे कैसे बजेगा, ये नहीं, वो मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप पहले इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है, या फिर एक दूसरा क्वेश्चन भी साथ में ले लेते हैं कि हमको कौन कौन सी बांसुरियाँ लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, शुरुआत के अंदर आपको सी मिडिल या सी शार्प मिडिल से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्वर पास पास के हैं, दोनों ही बांसुरियाँ ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं हैं। मिडिल मतलब एक बीच के लेवल की बांसुरियाँ हैं, बांसुरियाँ बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं और बहुत छोटी छोटी भी होती हैं, इतनी छोटी भी होती हैं। तो सी मिडिल और सी शार्प मिडिल बीच की बांसुरी है, उस पर आपकी उंगलियां आसानी से आ जाएंगी, इसलिए रिकमेंड किया जाता है सभी बिगनर दोस्तों को जिनकी हाइट 5 से 5.5 फीट के बीच में है, वो सी मिडिल या सी शार्प मिडिल से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर मैंने जी बेस की बांसुरी के अंदर सा बजाया, रे बजाया, ठीक है, सारे सारेगा, ठीक है, और मैंने एक सी मिडिल की बांसुरी में सारेगा बजाया, सारेगा, तो सा की फ्रिक्वेंसी एक फिक्स है, ठीक है, इस बांसुरी के अंदर भी उस बांसुरी के अंदर भी दोनों की अलग अलग संख्या आएगी, लेकिन सा अंदर कौन कौन से स्वर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको ये 12 स्वर दिख रहे हैं। देखिए सा गा पा, किसी आप हारमोनियम बजाने वाले से पूछिएगा कि एक सबसे अच्छा कोड बताइए, कोड, कोड का मतलब वो 3-4 स्वरों को एक साथ दबाकर बजाते हैं, गाना बजा रहे हैं बीच बीच में वो कोड लगा देते हैं, पूछ लीजिएगा। तो सबसे अच्छा कोड अगर वो कोई बताएंगे तो बताएंगे सा गा पा, सा गा पा, इन तीन स्वरों को एक साथ दबाकर जो ध्वनि निकलती है वो सबसे ज़्यादा कर्णप्रिय होती है, सा गा पा। आप भी ट्राई कर सकते हैं, हारमोनियम लीजिएगा और बजा कर देखिएगा, या किसी हारमोनियम वाले से पूछ लीजिएगा सा गा पा। अब ये जो आपके पास में लिखा हुआ है, बताइए सा के लिए कौन सा स्वर है, पा के लिए कौन सा है और गा के लिए कौन सा है, आपको मिलेंगे सी, जी और ई, ठीक है। तो ये तीनों ही स्वर, इन स्वरों की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा कर्णप्रिय है, ठीक है, इसीलिए आपके पास ये तीन स्वरों की बांसुरियाँ आवश्यक रूप से होनी चाहिए। दोस्तों एक नियम है जिसमें मैं अपने आप को बांध कर रखता हूँ, आप भी बांध कर रखिएगा, ठीक है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, एक बांसुरी को कम से कम 6 महीने बजाइए। मैं बांसुरी भी बेचता हूँ, मेरा तो फ़ायदा ही होगा, आप खरीदेंगे तो। एक बांसुरी को कम से कम 6 महीने बजाइए, उस पर आपकी फिंगर को अच्छे से सेट होने दीजिए, आपके अवचेतन मन में आपकी फिंगर की पोजीशन उसमें चली जाएगी, तो उस पर आपकी उंगलियां सेट होने में 6 महीने लग जाते हैं एक बांसुरी पर। तो इसीलिए एक बांसुरी को कम से कम 6 महीने बजाइए, जिससे भी आपने शुरुआत की है, सी मिडिल या सी शार्प मिडिल, इनसे आप शुरुआत करेंगे, 6 महीने बजाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट बांसुरी जो आप खरीदेंगे, कोई सी भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, ठीक है, सा गा पा, कौन कौन सी, सी मिडिल, जी या फिर ई, इन तीनों बांसुरियों को आप क्रम से खरीदिएगा। पहले यदि आपने सी शार्प से शुरुआत की है तो 6 महीने बजाइए, उसके बाद सी मिडिल लीजिए, आपको आसानी होगी। उसके बाद 1 साल जब आपको हो गया होगा तो आपको बहुत अच्छे से आपकी फिंगर उन पर सेट हो गई होंगी, फिर आप जी पर जाइएगा, क्योंकि सी मिडिल के बाद
जी थोड़ी बड़ी हो जाती है, जो ये बांसुरी है ये जी बेस की है, तो आप जी बेस पर जाइएगा। उसके बाद जब आप इस बांसुरी को 6 महीने बजा लें, मतलब आपको 1.5 साल हो चुका है, फिर आप ई बेस पर जाइएगा, इससे पहले आप नहीं बदलेंगे बांसुरी को, ठीक है। और जब 6 महीने आपको ई बेस पर हो जाए, तो उसके बाद आप किसी भी बांसुरी को, आपको पता होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। अगर आपने इस तरह से अभ्यास किया तो बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, पैसे बहुत होते हैं, सारी बांसुरियाँ ख़रीद के रख लेते हैं। एक मेरे ऑस्ट्रेलिया के सब्सक्राइबर थे, यकीन कीजिएगा उनके पूरे कमरे के अंदर बांसुरियाँ ही बांसुरियाँ थी। मैं बोला उनको कि भैया कितनी कितनी देर बजाते हो इनको, कह रहे आज इसको बजाते हैं कल को उसको, एक बांसुरी का नंबर 1 महीने के बाद आता। गलत तरीका है। आप अपने अवचेतन मन के अंदर किसी भी बांसुरी के हॉल को फिट नहीं कर सकते, आपकी उंगलियों को पता ही नहीं चलेगा, आप बार बार अपने माइंड को अपने हाथों को कन्फ्यूज करेंगे, तो आप किसी पर भी अच्छे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये नियम जो है कि एक बांसुरी को 6 महीने बजाइए, ये बहुत ज़रूरी नियम है, ठीक है। तो आपके पास सी मिडिल, जी बेस और ई बेस, ये बांसुरियाँ होनी चाहिए, लेकिन इनका क्रम यही होगा, 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने। उसके बाद जब 2 साल आपको हो जाएंगे, तो आप कुछ भी कीजिएगा, आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता होगी, आपको अपने बारे में सब कुछ पता होगा, क्योंकि 2 साल एक लंबा समय होता है। तब तक आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि आपकी अच्छी बुरी चीज़ क्या है, आपका बचपना निकल चुका होता है, आप इंटरमीडिएट लेवल के खिलाड़ी हो चुके होते हैं, ठीक है। तो फिर आप कुछ भी कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन शुरुआत में आप इस तरह से आगे बढ़ें, क्योंकि मैं बिगनर दोस्तों को ज़्यादा महत्व देता हूँ, मैं उन्हीं के बारे में चीज़ें बताता रहता हूँ। अब अपने बात पर आ जाते हैं कि कोमल स्वरों का अभ्यास कैसे करें, ठीक है। पहली चीज़ तो एक एक स्वर का अभ्यास कीजिए, एक एक स्वर का, जैसे मैंने कुछ अभ्यास पिछली वीडियो में बताए थे, इस बार मैं कुछ अलग अभ्यास आपको बताऊँगा। जैसे हम सरगम का अभ्यास करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। दोस्तों एक चीज़ और बीच में बोल देता हूँ, देखिए बांसुरी बजाने वाले की आवाज़ से कोई लेना देना नहीं है, आवाज़ हम आवाज़ का अभ्यास नहीं करते हैं। जितने भी जो अभी शुरुआत जिन्होंने की है, वो आवाज़ का अभ्यास नहीं करते। आवाज़ का अभ्यास करेंगे तो उसके लिए फिर एक अलग ही अभ्यास का समय देना पड़ेगा, जो कि इतना समय किसी के पास है नहीं, ठीक है। तो हमारी आवाज़ पर मत जाइएगा कि हम सा का उच्चारण किस तरह से कर रहे हैं, सारे, अब ये सही नहीं है, मुझे पता है सही नहीं है। हम बांसुरी का अभ्यास करते हैं, वोकल का हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त इस चीज़ का इशू बनाते हैं कि आपका साई ठीक नहीं है, आप बोल ही गलत रहे सा का, भैया हम उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं, बांसुरी का कर रहे हैं। तो अभी किस तरह से अभ्यास करेंगे, तो मैंने बोला कि आप सरगम का अभ्यास जैसे कर रहे थे, सारे गामा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, तो एक एक स्वर को जोड़ते जाइए। अब पहला स्वर ले लेंगे कोमल रे, ठीक है, पहले बजाएंगे शुद्ध सरगम, अब यहां कोमल रे जोड़ देंगे, ठीक है। अगली सरगम में हम शुद्ध गा की जगह कोमल गा लगा देंगे, देखिए ठीक है। अगली बार हम तीव्रमा जोड़ देंगे, अगली सरगम में हम कोमल धा लगा देंगे, ऐसे ही हम अगली बार कोमल नी लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सरगम में एक एक स्वर जोड़कर भी अभ्यास कर सकते हैं। अब अगला अभ्यास क्या है, अगला अभ्यास ये है कि आपको मैंने एक पिरामिड अलंकार दिया था, ठीक है, आपको याद होगा, मैंने शुरुआत दोस्तों की वहीं से की, ठीक है, सरगम सप्तक पिरामिड अलंकार। पिरामिड अलंकार इसलिए कि आपकी उंगलियाँ थोड़ी फास्ट हो जाती हैं, ठीक है, आपके मसल मेमोरी के अंदर जो आपका अवचेतन मन है उसमें आपकी फिंगर मूवमेंट अच्छी हो जाती है, फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि कोमल गा रे, रे कहाँ, रे के बाद क्या है, ये सब सोचना नहीं पड़ता,
ठीक है, आपके अपचेतन मन में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, इसलिए प्रामिड अलंकार जरूरी है और उसका महत्व यहाँ पर भी है कोमल स्वरों के अंदर। देखिए अभी जो हम अभ्यास कर रहे थे प्रामिड अलंकार का, सा रे गा रे सा रे गा मा गा रे सा, अब इस प्रामिड अलंकार के अंदर आप कोमल स्वरों को जोड़ दीजिए, ठीक है, इस तरह से, और अभ्यास कीजिए। इसको यदि आप कर पाए तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा ये पक्का है, एकदम से नहीं होगा, तो आप धीरे धीरे इसका अभ्यास जब करेंगे तो ये सभी कोमल स्वर, जैसे आपकी सरगम पहले आप नहीं जानते थे अब बहुत अच्छा जानते हैं, तो वैसे ये कोमल स्वर भी आपके मसल मेमोरी के अंदर, आपके अपचेतन मन के अंदर स्टोर हो जाएंगे। कि कैसे बजेंगे, धीरे धीरे होंगे, एकदम से नहीं होंगे, थोड़ा कठिन अभ्यास है। बांसुरी के अंदर कोमल स्वर आसानी से नहीं आते हैं, ये 100% बात है, लेकिन आ जाएंगे अगर आप अभ्यास करेंगे तब, ठीक है। दोस्तों तीसरा अभ्यास इन कोमल स्वरों का कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक बार एक वीडियो में बताया था, वो स्वर ज्ञान की वीडियो थी, तो कोमल स्वरों का भी स्वर ज्ञान होना ज़रूरी है। अब उसको भी उसी तरह से अभ्यास करेंगे, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको याद आएगा कि हाँ ये वीडियो हमने देखा है, तो इस तरह से था, ठीक है। आप उसी अभ्यास को कोमल स्वरों के साथ कीजिएगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा और ये बहुत पक्के हो जाएंगे आपके। देखिए किस तरह से आपको अभ्यास करना है, इस तरह से आप कीजिएगा। और जब ये हो जाता है तो साथ में एक कोशिश और भी करें, सरगम को कोमल स्वरों के साथ बजाने की कोशिश करें। देखिए कैसे करना है आपको, ठीक है। अंत में तो यही सीखना है हमको कि सरगम हम कोमल स्वरों के साथ बजाएं, थर्ड भैरवी के अंदर, सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है। इस वोकल पर मत जाइएगा, हमारी अच्छी नहीं होती है, किसी भी, बहुत सारे जो पंडित लोग होते हैं, अभी हम तो उस श्रेणी में है ही नहीं, हम तो YouTube के सबसे छोटे कलाकार हैं, ठीक है, हम खुद सीख रहे हैं। और इस छोटी सी चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है, मोटिवेशन यहीं से आएगा हमारे लिए, यूट्यूब से कुछ मिलता मिलाता नहीं है हमको, ठीक है, मोटिवेशन यहाँ से आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी 40% ही हैं आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। राधे राधे।